आपको साथ। दोस्तों को ये बताएं कि आज नया वीडियो लेके आए हैं दोस्तों के लिए, तो इस तरफ हम बतख वगैरह दिखाएंगे दोस्तों को इंशाल्लाह। तो आप जो मेरे मुर्गियां अंडे दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ अंडे इन्होंने दिए, अभी पता नहीं, मुर्गी अंडे देने के लिए छुप जाते हैं। तो इसमें माशाल्लाह मोर बंद है, अभी किधर गया मुर्गी अंडा देने वाली, अभी नज़र ही नहीं आ रहा है यार। अच्छा अच्छा, बरमू बरमू अपने पिंजरे में जगह बना रहा है माशाल्लाह। बरमू दे देगा अंडा, तो फिर हमने अंडा वो लेने हैं। तो क्यों आप मुर्गी मेरे पीछे हो, आपको दाना इतना पड़ा हुआ है, फिर भी जाके खा लो ना, फिर मेरे पीछे क्या कर रहे हैं आप। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको दे देंगे दाना, अभी तो दाना आपने खा लिए, अभी कहाँ से दाना दे दूँ, बार बार थोड़ी देना होता है, एक दफ़ा दाना दे दूँ, आप पहले वो खा ले, फिर बाद में मैं आपका हल न कर दूँगा। तो दोस्तों को दिखाते हैं अपने जो ये छाँव में बैठे हुए हैं माशाल्लाह मुर्गे। ये सारे पीछे भागते आते हैं, ये पिंजरा पड़ा हुआ है, तो इनमें हमने पानी रखा हुआ है मटक में। ये दे मेरे पीछे हैं सारे दोस्त, आप देखते हैं। आ जाओ आ जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दोस्तों को दिखाते हैं, चलते हैं कबूतरों के तरफ, कबूतरों का क्या हाल है। तो दोस्तों को दिखाते हैं कबूतर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे पिंजरे में कबूतर बंद है, ये वाले कबूतर हैं, और दूसरे कबूतर कहाँ हैं वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं माशाल्लाह। पिंजरे में घुसते हैं किधर है, आ गए हैं पिंजरे के अंदर। ये आप दोस्तों के सामने बैठा हुआ है, अपने अंडों पे बैठी हुई है खूबसूरत कबूतर, और आप दोस्त देख रहे हैं ये अपने अंडों पे बैठी हुई है माशाल्लाह। इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप दोस्तों को विज़िट करवाते हैं। ये सारे अपने बच्चों पे ऊपर बैठे हुए हैं एक दूसरे, अंडे भी हैं बच्चे भी हैं इनके माशाल्लाह। तो इसकी कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं माशाल्लाह इसके, आप दोस्त ज़्यादा आप देख सकते हैं। तो खूबसूरत कबूतर हैं, चलते हैं अभी आपको कबूतरें भी विज़िट करवाती है। अभी कहाँ जाना है, अभी हमने मुर्गी का अंडा ढूंढना है। तो दोस्तों ये है हमारे मुर्गियाँ हैं जो घास वगैरह खाते हैं इंशाल्लाह, इनको पानी शानी डाला हुआ है, घास पानी शानी इसको ठंडा, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है। तो चल आ गए हैं, अभी देखते हैं किधर है हमारा अंडा, अंडा कहाँ जाए। वाह कमाल कर दिया शामों के मुर्गी ने, यहाँ पर अंडा जो है मुर्गी ने छुपा छुपा के अंडा दिया है दोस्तों। ये पड़े हैं अंडा, सामने अंडा ये पड़ा हुआ है, ये शामों का अंडा है। अभी 20,000 हमारा बाहर निकल के आए हैं, अभी फ़िलहाल इसको इधर रखते हैं, दूसरी शामों मुर्गी देगा। चलो दोस्तों को अपने जो है खरगोश भी दिखा देते हैं, चलो ठीक है आ जाओ खरगोश। ये हमारे खरगोश के बच्चे हैं, 9 बच्चे निकाले थे, उसमें से 3 बिल्ली खा गई है, 2 गिफ्ट दे दिए किसी दोस्त को, और 4 ये बैठे हुए हैं अपने, सारे नर हैं, और घास वगैरह इनके आगे डाल दिए है, और थोड़ा सा दाना भी डाल दिया है। तो आप इसको घास वगैरह दाना डाल सकते हैं, वो भी खा लेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं इसको बंद करते हैं, लेट हो रहे हैं, आज क्यों जुम्मे का भी दिन है। तो फ़िलहाल आप दोस्तों को शामों भी दिखाते हैं, आ जाए शामों। शामू हमेशा इस बच्चे को पालता है, ये शामू का दोस्त है, और शामू ये है, शामू अपने खुशी से बस खेलता रहता है इधर मिट्टी में, और ये बच्चे को भी शामू पालता है, और कोई भी मुर्गा बच्चों को नहीं पालता है। ये माशाल्लाह जितने भी बच्चे देंगे मुर्गी के वजह से
सो ये बच्चे भी पाल लेते हैं, फिर इनको बच्चों को पालता है। और ये छोटे बच्चे वाली मुर्गी है। राजा मोबाइल को क्यों खाने लग गया है, इतने पानी दाना पड़े हैं अब खा लें, वो खाने की शौक नहीं है, वो खाओ जाओ जाओ खा लो, पानी शानी पियो, मज़े करो। और माशाल्लाह इसके 6 बच्चे हैं, तो ये 20-25 हज़ार का बच्चा है एक। चलते हैं दोस्तों, आज दोस्तों आप इस वीडियो को सब्सक्राइबर और लाइक करना, दोस्तों को दिखाएं, इंशाल्लाह इनके लिए दवाई भी बनाएंगे, वो दोस्तों को दिखाएंगे कौन सी दवाई आपने इस्तेमाल करना है, आपने इस तरह अपनी मुर्गियों के लिए दवाई इस्तेमाल करनी है, उनको डालना है, कैसे उनको बीमारी भी नहीं लगेगी। और आप इनको घास वगैरह भी मतलब दिन में डाल सकते हैं तो डाल दे दें, कोई इशू नहीं है। तो काफ़ी लोग इसको घास वगैरह भी नहीं डालते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा उनका जो फोटा है वो ख़राब हो जाता है, मैदे का मसला बन जाता है। तो इनके लिए हमने मैदे के भी दवाई लाई है, वो भी दोस्तों को दिखाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, कमेंट करना, ओके।